हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नवीत आकाश। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चीन का एक मिशन है, जो कि ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ठीक है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और क्यों होता है अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो है आज की न्यूज़ 17 अक्टूबर जो है, ये आज का मैंने जो है न्यूज़ लिया हुआ है। तो चीन का जो है एक मिशन है, जूनो मिशन या जूनो परियोजना। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है, और ये मतलब किस चीज़ में हेल्प हमको करेगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, इसमें और तमाम प्रकार के आने वाले कौन से महत्वपूर्ण टर्म हैं, शब्द हैं जिसको हमें जानना चाहिए हमारे 2025 के यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि प्रीलियम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पीटी जो होता है उसमें क्वेश्चन कैसे कहां से कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो जूनो मिशन है चीन का, ये है क्या। तो भाई ये जी ओंग मिन, ध्यान दीजिएगा, वहाँ के आंग जांग जुआंग करके नाम होता है। तो जियांग मिन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी चीन का जूनो मिशन है। इस जूनो मिशन का नाम है, यानी इस जूनो का फुल फॉर्म, ये जे फॉर जियांग मिन, यू फॉर अंडरग्राउंड, एन फॉर न्यूट्रिनो। अभी हम ये सब भी देखेंगे, न्यूट्रिनो होता क्या है, यही पूरा इसका खेला है, ठीक है। और उसके बाद ओ फॉर ऑब्जर्वेटरी। तो जियांग मिन एक जगह है, वहाँ पर अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो वेधशाला है, प्रयोगशाला है, ठीक है। तो ये हो गया जूनो मिशन। अच्छा, ये क्यों मतलब लाया गया है, या इसका काम क्या है, या फिर इसका उद्देश्य क्या है। तो भाई ये स्टडी करेगा, ये क्या करेगा, ये स्टडी करेगा, ये जो वेधशाला ये स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा। किस चीज़ का अध्ययन करेगा, तो ये भैया अध्ययन करेगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका यह अध्ययन करेगा, यानी कि उप परमाणु जो होते हैं उनका यह अध्ययन करेगा, उप परमाणु कण का। उसके बाद इसी सब एटॉमिक पार्टिकल को ही हम जानते हैं, या इसको हम नाम देते हैं न्यूट्रिनो। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, या यही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, या यही इम्पॉर्टेंट टर्म है कि न्यूट्रिनो क्या है, ठीक है। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उन्हीं को हम आल्सो नोन एज करके हम बता सकते हैं, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि यही न्यूट्रिनो होता है। अभी हम इसको आगे चल करके विस्तार में जानेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई मोटे तौर पे कि चीन का जो जूनो मिशन है, या चीन का जो जूनो परियोजना है, वो क्या है। तो क्या है, हमने बता दिया कि जियांग मिन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। ये क्यों लाया गया, इसके काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका काम है स्टडी करना, क्या अध्ययन करना, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। और यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूट्रिनो, कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो वेधशाला है, ये जो है हमको मदद करेगा, ये हमारी हेल्प्ड करेगा, ये हमारी जो है सहायता करेगा। किसकी सहायता करेगा, या किस चीज़ में सहायता करेगा, ये मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में ये हमारी मदद करेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चीन का जो जूनो मिशन है, ये सुलझाएगा मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को, ब्रह्मांड के रहस्यों को, कि ब्रह्मांड जब बना था तो कैसा था, क्यों था, है ना, ये सारी चीज़ें। और ये जो मिशन है, ये यानी कि जो वेधशाला बनाई गई है, ऑब्जर्वेटरी जो बनाई गई है, ये 700 मीटर अंडरग्राउंड है, ध्यान दीजिएगा, 700 मीटर अंडरग्राउंड है। और ये जो है पूरी तरह से इक्विप्ड है, इक्विप्ड विथ 1000 ऑफ लाइट डिटेक्टिंग ट्यूब्स। तो ये पूरी तरह से अंदर किससे इक्विप्ड है, किससे लैस है, तो हजारों हजार लाइट के डिक्टेशन, जैसे कहते हैं ना कि लेजर डिटेक्शन है, जैसे आप किसी जगह पे जाते हैं तो चेकिंग होती है ना, वो पुलिस वाले चेकिंग करते हैं, तो डिटेक्टर होता है ना, उस तरीके से जो है पूरा डिटेक्टर लगाया गया है 1000 ऑफ लाइट का, जो कि ट्यूब्स के मदद से, है ना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो लाइट लगाए गए हैं, ये जो डिटेक्टर लगाए गए हैं, इनका क्या उद्देश्य है, इनका ये उद्देश्य है, या फिर ये क्या काम करेंगे, ये यह काम करेंगे कि ये गेदर जो है क्रूशियल डाटा करेंगे, यानी कि ये महत्वपूर्ण जो है डाटा को इकट्ठा करेंगे, है ना। अच्छा, किसके डाटा को इकट्ठा करेंगे, तो वही न्यूट्रिनो के डाटा को इकट्ठा करेंगे। न्यूट्रिनो के कैसे डाटा को इकट्ठा करेंगे, तो जो न्यूट्रिनो का जो है प्रॉपर्टीज होती है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उन्हीं को हम कह रहे हैं न्यूट्रिनो, और इसी न्यूट्रिनो की जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसके गुण होते हैं, उनको जानना। दूसरी क्या चीज़ है, मास हायरार्की जानना, कि जो है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रिनो जो है तीन प्रकार के होते हैं, मास हायरार्की वही है,
तो तीन प्रकार है कि तीन ठो कौन कौन से बताए गए हैं, आगे हम भी हम देखेंगे। यानी कि एक सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे भारी वाला, और एक जो है सबसे हल्का, और एक बीच का होता है थोड़ा सा जो इसको होता है मिडिल। तो ये चीज़ें इसके इस पूरे मतलब ग्राफ में हमको यह समझ में आ गया, या फिर इस फ्लो चार्ट से हमको इतनी बातें समझ में आई कि ये क्या है, इस हमारा जो है किस क्षेत्र में मदद करेगा, तीसरी बात है कि ये कितने नीचे ये बनाया गया है, और चौथी बात ये है कि जो इतना नीचे बनाया गया है वहाँ पर ये होगा क्या, करेगा क्या, न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टी देखेगा और मास हायरार्की देखेगा। इस मिशन का इतना ही उद्देश्य हो गया। अच्छा, अभी बात आई थी यहाँ पे न्यूट्रिनो की, ठीक है, तो यहाँ पे किस बात की कौन सी बात आई है, न्यूट्रिनो। तो आइए अब हम न्यूट्रिनो को विस्तार पूर्वक एज अ विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते समझते हैं, ठीक है, मतलब वैज्ञानिक भाषा में। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिनो क्या होता है। तो न्यूट्रिनो यानी कि व्हाट इज द न्यूट्रिनो, क्या है न्यूट्रिनो, तो भैया ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं, या कि जो कि निकलते हैं, किसके दौरान निकलते हैं या किस समय निकलते हैं, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्शन करके, ठीक है, तो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसी के दौरान ये सब एटॉमिक पार्टिकल निकलते हैं या प्रोड्यूस्ड होते हैं, और उसी को हम नाम देते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब सूर्य चमकता है तो ढेर सारी ऊर्जा पैदा करता है, और इसी समय जो है यह निकलता है जो कि अदृश्य होता है। इस समय अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे अगल बगल हजारों के हजार, अरबों के अरबों जो है न्यूट्रिनो हमारे अगल बगल टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आर पार हो जा रहे हैं, निकल चले जा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया न्यूट्रिनो। अच्छा, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है इस न्यूट्रिएशन की, भैया इतना कुछ इम्पॉर्टेंट होगा ना, कुछ महत्वपूर्ण इसकी बातें होंगी ना, इसीलिए इतना जो है पैसे वैसे लगा करके इस पे जो खर्चा पानी किया जा रहा है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस है कि भाई ये हर सेकंड ये अरबों की संख्या में पृथ्वी और हमारे शरीर से ये गुजरते रहते हैं। इसी को जानना है, इसी को जानना ही इसका ये इम्पॉर्टेंस बताता है कि ये ऐसे कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिनो होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इसका टाइप्स भी होता है। अभी हमने बताया ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है जो कि सबसे भारी होता है, और एक होता है सबसे हल्का वाला, और एक बीच का होता है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं हमारे, वो यही दो चीज़ों को जो है सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे जो भारी वाला है और दूसरा जो सबसे हल्का वाला, बीच का जो होता है वो भाई गायब ही हो जाता है ना। तो ये दो चीज़ों को जानने की उत्सुकता है वैज्ञानिकों को, इन्हीं की जानकारी प्राप्त करना ही उद्देश्य बताया गया है। इन्हीं की जानकारी प्राप्त कैसे करना है, प्रॉपर्टीज़ के तौर पे प्राप्त करनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो है रिजल्ट देगा जब हम इसकी जानकारी ले लेंगे, यानी कि सबसे भारी वाले के और सबसे हल्के वाले पार्टिकल की जब हम जानकारी ले लेंगे, तो इससे हम क्या पता चलेगा, इससे ब्रह्मांड जब बन रहा था तो उसकी आरंभिक अवस्था को हम जान सकते हैं। जब ये चीज़ें पता चल जाएंगी, सबसे भारी सबसे हल्का वाला, कि उस समय सबसे भारी तत्व कौन सा रहा होगा, सबसे हल्का कौन सा रहा होगा, फिर क्या रिएक्शन, क्या एक्शन, कैसे क्या चीज़ें ब्रह्मांड फैला, बना, निर्माण हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब जानकारी हमको मिलेगी, ब्रह्मांड के रहस्यों को हमको जो है पता चलेगा। और भी हम आगे देख लेते हैं कि इसके और कौन से महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। तो भैया जो चीन के दो परमाणु संयंत्र हैं, मतलब एटॉमिक एनर्जी प्लांट हैं, वहाँ से निकलने वाले न्यूट्रिनो का यह अध्ययन जो है किया जाएगा, और इस डाटा का जो है 6 वर्षों तक अध्ययन किया जाएगा या स्टडी किया जाएगा। तो ये चीन में चीज़ें की जा रही हैं, यह ध्यान दीजिएगा, चीन में कहाँ पर पे, जहाँ दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वहाँ पे ये चीज़ें की जाएंगी, न्यूट्रिनो का अध्ययन किया जाएगा वहीं से। और सूर्य से आने वाले न्यूट्रिनो का भी स्टडी किया जाएगा, जो सूर्य से न्यूट्रिनो आ रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनका भी अध्ययन किया जाएगा। तो अच्छा, एक चीज़ है कि यह जो है न्यूट्रिनो है, या न्यूट्रिनो या जूनो जो मिशन या परियोजना है, वह जो है रेडियो एक्टिव डीके या रेडियोधर्मी जो है तत्व जो है प्रोड्यूस करता है, या यहाँ से रेडियो एक्टिव जो डीके होता है ये प्रोड्यूस्ड करता है न्यूट्रिनो को। अच्छा, ये न्यूट्रिनो को जो प्रोड्यूस्ड करता है, तो ये कैसे करता है, ये करता है दो तरीके से, यानी कि जो रेडियो एक्टिव डीके है वह एक है ये, अच्छा पीटिंग पूछा जा सकता है, एक है यूरेनियम, एक है थोरियम, यानी कि इन दो तत्वों की वजह से
न्यूट्रिनो प्रोड्यूस्ड होता है, इनके रिएक्शन से, इनकी वजह से न्यूट्रिनो जो है प्रभावित होता है या न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है या न्यूट्रिनो उत्पन्न होता है या न्यूट्रिनो पैदा होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूट्रिनो का संबंध निम्नलिखित में से किन रेडियो एलिमेंट्स से है, तो ध्यान दीजिएगा यूरेनियम और थोरियम से है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो रेडियो एक्टिव डिके होता है क्या है, तो ये एक प्रोसेस है। अब हम ये भी देख लेते हैं भाई ये रेडियो एक्टिव जो है डिके होता क्या है, तो ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, रेडियोधर्मी जो होता है वह एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस होता है, सब मटेरियल्स यानी कुछ तत्वों का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। किसमें करता है, इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि रेडियो डिके जो होता है वह एक प्रोसेस है। किस चीज़ का, सम मटेरियल्स का, और ये उन्हीं मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, इनटू स्मॉलर यानी कि छोटे से छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, जैसे कि यानी कि लाइक दैट न्यूट्रिनो। ठीक है, जैसे एक खिलौना धीरे धीरे टूट करके छोटे छोटे से तत्वों में विभाजित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये रेडियो डिके होता है, एक प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे जो मतलब ये स्टडी होगी, जो अध्ययन होगा, उसमें हमको अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब हमको समझ जो है मिलेगी, हमारी समझदारी जो है बढ़ेगी, है ना, हमको समझने में जो है मदद मिलेगा। किस चीज़ का मदद मिलेगा, मेंटल कन्वेंशन का मदद मिलेगा, जो कि ड्राइव्स होते हैं, जो कि संचालित होता है, यानी मेंटल कन्वेंशन की हमको जानकारी मिलेगी। और जो कि ये संचालित होता है, किस चीज़ से संचालित होता है, प्लेट विवर्तकी यानी कि मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट से। अब पूरा आप अगर इस पे आप आ जाते हैं तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है, प्लेट विवर्तन की। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी की पूरी जो धरती है वो प्लेट विवर्तन की नाते ही उल्टी सीधी आड़ी बेड़ी टेढ़ी, या फिर इस समय जो हुई है या जो पृथ्वी की इस समय स्थिति है, वो सब इसी की देन है। तो सोचिए ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा परियोजना, कितना बड़ा ये जो है मिशन है, तो इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई स्टडी के तहत हमको ये जो है मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से देश जो है शामिल है या कौन से भागीदार देश हैं। तो इसमें भैया जो भागीदार देश है वो चाइना खुद है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, रूस है, ताइवान है और यूएसए है। ये जो है इतने प्रकार के देश हैं इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा खूब कायदे से। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं सरसरी नज़र से फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। चीन का एक जूनो मिशन है, जूनो मिशन ये क्या है या जूनो परियोजना क्या है, तो भैया ये जियोंग मेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, जो किसका फुल फॉर्म है, यह क्या है, क्यों है या इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य स्टडी करना, किस चीज़ का स्टडी करना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो है स्टडी करना, और यही जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिनो, और ये हमारी मदद करेगा या हेल्प करेगा, ये मिशन ये परियोजना किसका हेल्प करेगा, किस चीज़ का हेल्प करेगा, तो मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स यानी कि जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड का रहस्य उसको समझने में ये हमारी हेल्प करेगा। ये 700 मीटर अंडरग्राउंडेड है और पूरी तरह से हजारों की हजार डिटेक्टिंग ट्यूब से ये लैस है। इसका जिसका उद्देश्य है गिदर जो है क्रूशियल डाटा, इसका जो है डाटा जबरदस्त तरीके से इकट्ठा करना, किसके डाटा को, न्यूट्रिनो के किन डाटा को, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी मास हायरार्की क्या है। और यहाँ तक हमने जब देख लिया तो हमने ये भी देखा कि भैया न्यूट्रिनो होता है क्या है, तो न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जो कि रिलीज होता है कब होता है या किस दौरान रिलीज होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसी के दौरान यह रिलीज होता है। जब सूर्य चमकता है तो ढेर सारी ऊर्जा उसी तरह पैदा होती हैं, इसी समय यह निकलता है जो कि अदृश्य होता है या ठीक है। और इसका महत्व क्या है, भैया हर सेकंड जो है अरबों के खरबों की संख्या में हमारे शरीर या जो है तत्व से तत्व या किसी दूसरे जो है मैटर से दूसरे मैटर में यह प्रभावित होता रहता है, इसी को हमको जानना है। और इसके टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, एक सबसे भारी होता है, एक सबसे हल्का होता है और एक मध्य वाला होता है। इसी की जानकारी प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। और जब ये प्राप्त जानकारी हो जाएगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि हम ये जान पाएंगे कि ब्रह्मांड जब बन रहा था तो उसकी आरंभिक अवस्था कैसी थी। ठीक है, इसका लक्ष्य हमने देखा कि भैया ये जो है ज़बरदस्त तरीके से चाइना में ये बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, तो एटॉमिक या जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास बन रहा है। और इस डाटा को ये जो है चाइना 6 वर्षों तक ये स्टडी करेगा, और सूर्य से जो निकलने वाले न्यूट्रिनो हैं इसी प्रकार से उनका भी अध्ययन किया जाएगा। इसी के तहत हमने ये भी देखा कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वह
जो है प्रोड्यूस करता है न्यूट्रिनो, और वह कैसे प्रोड्यूस करता हो, यूरेनियम और थोरियम के तहत प्रोड्यूस करता है। जब हमने ये देख लिया तो हमने ये भी देखा कि ये रेडियो एक्टिव होता क्या है, तो ये प्रक्रिया है, किस चीज़ की प्रक्रिया, सम मटेरियल की प्रक्रिया है, और जो कि सम मटेरियल जो होता है उसको ये ब्रेक डाउन करता है, कैसे ब्रेक डाउन करता है, इनटू सम पार्टिकल्स या सम पार्ट्स में, स्मॉलर पार्ट्स में, और इसको हम कह सकते हैं न्यूट्रिनो जैसे जो है भागों में ये बांट देता है, या छोटे छोटे तत्वों में बांट देता है, घटकों में बांट देता है। ये हमारी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, क्या समझने के लिए, मेंटल कन्वेंशन को समझने के लिए, जो कि मेंटल कन्वेंशन ड्राइव होता है, संचालित होता है, किसके द्वारा संचालित होता है, मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट के द्वारा। इसमें शामिल देशों को हमने देख लिया, कौन कौन से देश शामिल है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, रूस है, ताइवान है, और यूएसए है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की बातें हमारी समझ में आ गई होंगी, और अगर हमारी यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और सॉरी शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक, मिलते हैं इसी तरह किसी नए टॉपिक, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।